हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे लासा तिलिए का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि ये कक्षा 12 में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लासा तिलिए का नियम क्या है, लासा तिलिए का नियम पढ़ते हैं। तो लासा तिलिए का नियम, यह नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लासा तिलिए एवं ब्रान नामक वैज्ञानिक ने 1885 में प्रस्तुत किया था। यह नियम लासा तिलिए एवं ब्रान नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर ताप दाब अथवा सांद्रण में परिवर्तित किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जहां उसका प्रभाव निरस्त किया जा सके। जैसे हम लोग पढ़े थे उस प्रवृत्ति होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। जब साम्य में होती हैं तो दोनों की सांद्रता समान होती है। अब क्या है, अगर साम्य में ताप दाब अथवा सांद्रण में परिवर्तन कर दो, रिएक्टेंट में कर दो अथवा प्रोडक्ट में कर दो, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित करने की कोशिश करता है जहां उसका प्रभाव ना रहे, प्रभाव नष्ट हो गए। तो यह नियम लासा तिलिए एवं ब्रान नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार यदि साम्यावस्था पर ताप दाब अथवा सांद्रण में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता जहां उसका प्रभाव निरस्त कर सके। अब बात करते हैं, अब इसके तीन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां ऊष्मा अवशोषित होती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ऊष्मा अवशोषित होती है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां आयतन कम होता है। जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया है, जैसे ए से मान लिया बी में जा रही है, जो आयतन इधर कम है तो इधर जाएगी, आयतन इधर कम है तो इधर जाएगी। अगर इसका दाब बढ़ा दें तो जिधर आयतन, मान लिया यहां दो आयतन यहां तीन आयतन, तो इस तरफ जाएगी। जिधर आयतन कम होगा उस तरफ जाएगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां आयतन कम होता है। सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया उस दिशा में जाती है जहां उसका प्रभाव निरस्त हो सके, यानी सांद्रता जो इधर की बढ़ा दोगे तो इधर जाएगी, इधर की बढ़ा दोगे तो इधर जाएगी। तो क्या पॉइंट है, ताप बढ़ाने की प्रक्रिया उस दिशा में जाती है जहां ऊष्मा अवशोषित होती है तो माइनस होता है। क्यों, केलोरी मान लिया, अवशोषण का जो होती है तो क्या है, रिएक्शन में माइनस होता है। तो ताप बढ़ाने की प्रक्रिया उस दिशा में जाती है जहां ऊष्मा अवशोषित होती है। अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, अभिक्रिया इस प्रकार है माइनस क्यू, तो क्या है, अभिक्रिया आगे दिशा में जाएगी, यानी इस तरफ जाएगी जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है। अब अगर क्या है, ऊष्मा अवशोषित में जाएगी, क्या है, प्लस कर दो उत्सर्जित कर दो, तो अभिक्रिया कहां जाएगी, विपरीत में जाने लगेगी। दाब बढ़ने पर उधर जाती है जहां आयतन कम होता है, मान लिया है इधर तीन है इधर दो है तो इस तरफ जाएगी, इधर तीन है इधर दो है तो दो तरफ जाएगी। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां उसका प्रभाव निरस्त कर सके, इधर की सांद्रता बढ़ाओगे तो इधर जाएगी, इधर सांद्रता बढ़ाओगे तो। अब आता है लासा तिलिए के नियम के अनुप्रयोग। लासा तिलिए के नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसके यूज क्या है। तो क्या है, नंबर एक आता है भौतिक साम्य निकाय पर लासा तिलिए के नियम के अनुप्रयोग। भौतिक साम्य निकाय पर लासा तिलिए के नियम के अनुप्रयोग क्या है, विलयता पर ताप का प्रभाव। तो उन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित माने अवशोषित बताए थे जो माइनस चिन्ह वाले होते हैं। तो उस उन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे मान लिया पोटेशियम आयोडाइड है, इसको अगर जल में घोल दिया जाए तथा ताप बढ़ाया दिया जाए तो क्या है, या अभिक्रिया क्या होगी, इनकी विलयता बढ़ेगी जो कि माइनस का अधीन है। क्या है, माइनस का। उन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जो जल में घुलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण है कि पोटेशियम आयोडाइड की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड जल में घोलने पर व ताप बढ़ाने पर ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है। जो पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उनकी विलयता बढ़ती है। यह क्रिस्टलीय मैग्नीशियम सल्फेट पूछा जाता है, क्या कारण है कि
क्रिस्टलीय मैग्नीशियम सल्फेट की विलयता ताप बढ़ने पर घटती है। तो क्या है दशा देखिए, कहे थे उन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है उल्टा कर रहा है, माइनस के बजाय क्या है ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ऊष्मा कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, उड़ रही है। तो जब ऊपर उड़ रही है तो क्या हो जाएगा, लासा देरिये के विरोधी है। ये क्या है, तो लासा देरिये क्या कहे थे उन पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को जल में घोलने पर ऊष्मा क्या हो रही है निकल रही है, इसलिए विलयता इसकी घटती है। तो जो लासा देरिये के विरोधी है उनकी विलयता घटेगी और जो लासा देरिये के नियम के अनुसार चलेंगे उनकी विलयता बढ़ेगी। अगला आता है ठोसों का पिघलना, ठोसों का पिघलना, इसमें कोई कहे ताप दाब और इसमें क्या है बर्फ से मान लिया जल बनता है, यानी ताप दाब का प्रभाव होता है। जैसे क्वेश्चन तुम्हें आ जाए बर्फ से जल बनने में ताप व दाब का प्रभाव होता है, तो क्या है हम जानते हैं बर्फ क्या होता है ज्यादा आयतन होता, क्या होता है आयतन क्या होता है ज्यादा होता है, जल का आयतन कम होता है, इसका आयतन ज्यादा इसका आयतन कम होता है। तो हम लोग क्या ठोस का पिघलना, तो क्या है बर्फ जल के सामने ताप दाब का प्रभाव होता, तो इसमें ताप का नंबर एक ताप का प्रभाव क्या होगा, नंबर एक ताप का प्रभाव सकते क्या है ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में क्या होगा लासा तेलिये के नियम के अनुसार, इसके अनुसार लासा तेलिये के नियम के अनुसार क्या पॉइंट है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां ऊष्मा अवशोषित करते होती है, तो इसमें क्या है माइनस का चिन्ह है, माइनस का मतलब अवशोषित होना, तो क्या है इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है इसलिए अभिक्रिया कहां जाएगी अग्र दिशा में जाएगी, माइनस है तो अग्र दिशा में जाएगी। तो क्या है ताप का प्रभाव क्या है, इसमें क्या लिखना है लासा तेलिये के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां ऊष्मा अवशोषित होती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है इसलिए अग्र दिशा में जाएगी। अब आता है दाब का प्रभाव, दूसरा क्या आता है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या होगा, तो लासा तेलिये क्या कहे लासा तेलिये के अनुसार दाब में क्या लिखना लासा तेलिये, लासा तेलिये के नियम के अनुसार करना है, तो लासा तेलिये के नियम के अनुसार क्या है पॉइंट, बस पॉइंट एक ही याद रखना है दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उसी दिशा में जाती है जहां आयतन कम होता है, हम तुरंत देख लेंगे इधर आयतन ज्यादा बर्फ का आयतन ज्यादा होता है इसका कम होता है, तो क्या है कम तरफ जाएंगे तो यह अभिक्रिया कहां जाएगी अग्र दिशा में जाएगी। तो लासा तेलिये के नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उसी दिशा में जाती है जहां आयतन कम होता, अगर आयतन इधर कम होता तो इधर जाती, तो जिधर आयतन कम होता तो यह अभिक्रिया कहां जाएगी अग्र दिशा में जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्यता, लासा तेलिये के नियम के अनुप्रयोग, किसमें पढ़ेंगे रासायनिक साम्यता, भौतिक के स्थान पर क्या है दूसरा क्या है रासायनिक साम्यता। तो रासायनिक साम्यता लासा तेलिये के नियम के अनुप्रयोग, रासायनिक साम्यता लासा तेलिये के नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मान लिया नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, किसका बनना नाइट्रिक, नंबर एक मान लिया पढ़ते हैं नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, मान लिया नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो क्या है N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त होकर क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड 2 NO बनता है और 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। अब इसमें क्या है यह क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने यह अभिक्रिया देख अभिक्रिया N2+O2 उत्क्रमणी 2 NO प्लस 43.2 किलो कैलोरी में ताप दाब व सांद्रता का प्रभाव होता है, तो इसमें क्या है ताप का प्रभाव बताना है, दूसरा क्या है दाब का प्रभाव बताना है और तीसरा क्या है सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव किसका बताना है। तो क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड या N2+O2 पर उत्क्रमणीय 2 NO माइनस 43.2 किलो कैलोरी में ताप दाब व सांद्रता का प्रभाव होता है,
तो क्या है ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक नियम याद रख लीजिए। तो किसके अनुसार, अब क्रिया एक क्वेश्चन आ गया n2 + o2 उत्क्रमणीय 2 n माइनस इतना प्रभाव दो को लोगे तब दाब और सांद्रता का प्रभाव होगा। तो पहले क्या है, हम डालेंगे ताप का प्रभाव। तो किसके अनुसार, किसके अनुसार, लासा देलिए के नियम के अनुसार। तो लासा देलिए के नियम के अनुसार ताप बल क्या है, लासा देलिए के नियम के अनुसार। उसके बाद पहला पॉइंट ताप, ताप का जो प्रभाव होता है तो क्या है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां उष्मा अवशोषित होती है। और इसमें क्या है, माइनस का मतलब उष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो यह अभिक्रिया कहां जाएगी, जो अवशोषित होगी तो कहां जाएगी, आगे दिशा में जाएगी। तो लासा देलिए के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां उष्मा अवशोषित होती है। इस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित हो रही है इसलिए यह अग्र दिशा में जाएगी। दूसरा है दाब का प्रभाव, क्या है, दाब का प्रभाव। तो किसके अनुसार, क्या नियम है, लासा देलिए। तो इसमें क्या लिखना है, लासा देलिए के नियम के अनुसार, और उसके बाद क्या है, दाब वाला प्रयोग प्रयोग होता है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां आयतन कम होता है। और इसमें क्या है, आयतन कितना कम है, देखो एक, इसके आगे कुछ नहीं, एक, अब एक ये क्या है, दो, एक और एक कितना हो गया, दो, इधर के दो और इधर कितने हैं, दो। तो लासा देलिए के अनुसार दाब बढ़ने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां आयतन कम होता है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक एक दो और इधर भी क्या है, दो, इधर भी दो और इधर भी दो। तो क्या है, अब हम नहीं कह सकते हैं कि क्या इधर ये जाएगी इधर जाएगी, क्योंकि इधर भी दो और इधर भी दो। तो इसमें जब आयतन बराबर है तो आयतन का कोई, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या है, दाब का प्रभाव क्या हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां आयतन कम होता है। अब इस अभिक्रिया में आयतन समान है, दो इधर है दो इधर है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आता है सांद्रता का प्रभाव। तो क्या है, लासा देलिए के नियम के अनुसार क्या कहता है, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां उसका प्रभाव नष्ट हो सके। तो क्या है, अगर हम चेक करें जो इधर की सांद्रता बढ़ा दे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बढ़ा दे तो इधर जाएगी, और जो इसकी बढ़ा दे तो इधर जाएगी। तो क्या है, N2O2 की सांद्रता बढ़ा दे तो अभिक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड की तरफ जाएगी, या इसकी बढ़ा दो तो इधर जाएगी, क्योंकि सांद्रता क्या है, इधर इधर मिला दो सांद्रता बढ़ाओ तो इधर जाएगी, इधर बढ़ाओ तो इधर जाएगी। तो जो मान लिखेंगे N2O2 की बढ़ाएंगे तो आगे दिशा में जाएगी, इसकी बढ़ा देगी तो पश्चिम दिशा में जाएगी। अब दूसरा आप एक अनुप्रयोगन पढ़ते हैं, यह क्वेश्चन आ जाए, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, हेबर विधि से एनएच3 का निर्माण, यह कोई मान लिया दिया है तुम्हें N2 + 3H2 2NH3 + 22.4 kcal। यह क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, आता है क्वेश्चन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन उत्क्रमणीय 2N3 और 22.4 किलो क्लोरीन, इस अभिक्रिया के लिए ताप दाब व सांद्रता का प्रभाव बताओ। निम्न अभिक्रिया के लिए ताप दाब व सांद्रता का प्रभाव बताओ, अभिक्रिया लिखी होगी तो उसमें क्या करना है, ताप का प्रभाव तुम्हें बताना है, क्या बताना है, दूसरा दाब का प्रभाव, अब तीसरा बताना है सांद्रता का प्रभाव। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और सांद्रता का तो ताप दाब और सांद्रता का प्रभाव बताना है। तो क्या है, ताप का प्रभाव, तो ताप में हम क्या देखेंगे, माइनस होता तो उसमें अवशोषित होती है, प्लस है उल्टा है। तो पहले क्या लिखना है, शुरुआत वहीं से करनी, किसके अनुसार, लासा देलिए के नियम के अनुसार, लासा देलिए के नियम के अनुसार, और ताप वाला पॉइंट पकड़ दो, बस पॉइंट दे दिया कर, लासा देलिए के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां उष्मा अवशोषित होती है। लेकिन फिर अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, यानी उत्सर्जित हो रही, प्लस का मतलब उत्सर्जित हो रही, माइनस होता तो अवशोषित होता। इस अभिक्रिया में क्या है, उष्मा बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। अब जब लासा देलिए के क्या है, ये विरोधी है, लासा देलिए क्या कहते हैं, अवशोषित होना, लेकिन इसमें क्या रही है, निकल रही है, इसलिए यह क्रिया कहां जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी। इसमें क्या लिखा, लासा देलिए के नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उष्मा जाती है जहां उष्मा अवशोषित होती है।
लेकिन इस अभिक्रिया में क्या है, सत्य लेकिन विपरीत है, माइनस के बजाय प्लस है, इसलिए अभिक्रिया में क्या हो जाएगी, उनके विपरीत, कोई चीज विपरीत होती है, सत्य लेकिन विपरीत है तो अभिक्रिया भी विपरीत होगी। अब आता है दाब का प्रभाव, तो किसके अनुसार, लासा के लिए के अनुसार दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उससे बढ़ जाती है जहां आयतन कम होता है। अब इसमें देखते हैं, देखो यहां क्या है, एक और यहां क्या है तीन, एक प्लस तीन कितने होते हैं चार, और इधर कितने हैं दो, आयतन इधर कम है, तो लासा के लिए के अनुसार नियम के अनुसार दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उससे बढ़ जाती है जहां आयतन कम होता है, तो यह अभिक्रिया कहां जाएगी, चार इधर दो इधर, जहां आयतन क्या होता है कम होता है, तो इसमें कहां कम है, चार कम होते हैं कि दो, दो कम होते हैं, तो इस अभिक्रिया कहां जाएगी, आगे दिशा में, जिधर कम होंगे उधर जाएगी। फिर क्या है सांद्रता का प्रभाव, तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां सांद्रता का प्रभाव नष्ट हो चुके, सांद्रता बढ़ाने पर उस दिशा में जाती है जहां सांद्रता का प्रभाव नष्ट हो चुके, तो इसमें क्या है, अगर इसकी सांद्रता बढ़ा दो, सांद्रता का मतलब क्या होता है, उसका गाढ़ापन, इधर गाढ़ापन कर दो तो इधर जाएगी, इधर गाढ़ापन बना दोगे तो इधर जाएगी, तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाती है जहां उसका प्रभाव नष्ट हो चुके, यंग टू सांद्रता बढ़ा दे रहा हूं, अगर इसका मैं जाएगी जब आगे आपको विपरीत देखना चाहो तो मुझे सांद्रता बढ़ाने पर